बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार भिलाई विधायक देवेंद्र यादव 3 दिनों की न्यायिक रिमांड पर हैं। इस बीच कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली नेत्री राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर विधायक देवेंद्र यादव पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कटाक्ष किया है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी पर आरोपों की बौछार कर दी है। जय जोहार। हाथी की तरह कांग्रेस के भी 2 दांत हैं, एक दिखाने के तो दूसरे खाने के। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नाम भले ही मोहब्बत की दुकान हो, लेकिन असली काम अराजकता, हिंसा और नफरत फैलाना है। राहुल की इसी दुकान का एक नगीना देवेंद्र यादव अब छत्तीसगढ़ के रायपुर के सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 10 जून को बलौदा बाजार में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। ये वही देवेंद्र है जो मोहब्बत की दुकान के मालिक राहुल का खासम खास है। उसे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तक बनाए जाने की चर्चा है। भारत जोड़ो यात्रा में ये राहुल का सारथी बना घूमता था। वैसे राहुल का ये हीरा हर फन में माहिर है, चाहे कोयला घोटाला में पैसा कमाना हो या महादेव ऐप में कट मनी पाना या हिंदू त्योहारों में हिंसा भड़काना, यानी धूर्तता के हर खांचे में वो फिट बैठता है। इसीलिए वो कांग्रेस में सुपरहिट है। देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बेहद करीबी है और उसे उनका दाहिना हाथ माना जाता है। 10 जून को सतनामी समाज के खिलाफ हुई हिंसा में देवेंद्र को पुलिस की ओर से कई बार नोटिस भेजा गया, लेकिन खुद को कानून से ऊपर समझने वाला बघेल का ये गुंडा कभी हाजिर नहीं हुआ। कल जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। देवेंद्र के समर्थक पुलिस के जवानों से तक भिड़ गए और हिंसा पर उतर आए। दरअसल कांग्रेस जहां हारती है वहां अराजकता और हिंसा पर उतर आती है। देवेंद्र के जरिए राहुल गांधी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इसी खेल को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। हिंसा और भय का माहौल पैदा कर कांग्रेस छत्तीसगढ़ को अस्थिरता की राह पर ले जाना चाहती है, जिसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगी।